cuties, so welcome back to my YouTube channel. It's me, your girl Bharti Baswal, and back with another video. So आज है दिवाली, सुनो जी घरवाली. तो आज हम करने वाले हैं दिवाली का festive makeup look. So without wasting any time, let's get into this video. Okay, so let's start with the base. थोड़ा सा skin illuminator मैं लगा लेती हूँ. सो दैट हमारी स्किन ग्लोइंग लगे. एकदम थोड़ा सा पी साइज अमाउंट में मैं लगा रही हूँ अपने टी जोन पे. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई अ बीबी क्रीम. किसी भी ब्रांड का बीबी क्रीम ले सकते हो. एंड ये वाला बीबी क्रीम ना बहुत लाइट लगता है फेस पे, तो मैं यही यूज करने वाली हूँ आज. निकल ही नहीं रहा है, फुसू फुसू करके निकल रहा है. सो इससे हम ब्लेंड करेंगे विद द ब्लेंडिंग ब्रश. सी द कवरेज, एकदम लाइट कवरेज है ये और बहुत लाइट वेट भी है. एंड जब भी मुझे इंडोर्स रहना होता है ना, तो मैं हमेशा बीबी क्रीम पे स्विच करती हूँ. अदरवाइज मुझे जब बाहर जाना होता है तो मैं फाउंडेशन वगैरह प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. दैट्स व्हाई. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई सम कंसीलर कंटूरिंग. सो इसी के साथ साथ मैं अप्लाई कर दूंगी कंसीलर, सो दैट एक साथ हम मिक्स कर लें इसे. ओके, सो लेट्स ब्लेंड इट. सो लेट्स ब्लेंड द कंसीलर. सो आई नीड मोर कंसीलर हेयर, ताकि वो ऐसा ऐसे वाला लुक आ सके, एकदम ऐसे वाला डिम्योर लुक आ जाएगा. अब हम लगाएंगे आई शेडो बेस. एंड मैं फर्स्ट टाइम ना रिंग लाइट की लाइट में शूट कर रही हूँ मेकअप वीडियो, वो भी आई डोंट नो कि ये कैसा निकल के आने वाला है मेकअप. लेट्स सी, अगर अच्छा निकलेगा तो मैं इसी तरह से शूट करूंगी, अदरवाइज मैं नॉर्मल लाइटिंग और रिंग लाइट और ये सब करके शूट करूंगी, जैसे मैं प्रीवियस मेकअप वीडियो शूट करती हूँ वैसे ही. सो लेट्स सी, कुछ चेंज दिखे तो मुझे जरूर से बताना, और बुरा लगे तो भी आप बता सकते हो. ओके, लेट्स फिक्स दिस विद द कॉम्पैक्ट पाउडर. ठीक है, मेरी ड्राई स्किन है, सो आज हम कॉम्पैक्ट पाउडर से फिक्स कर रहे हैं. सो अब हम करेंगे अपनी आईज. एंड मार्स का ये मेस्मराइज जो पैलेट है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. एंड मैं अपने हर लुक में ना ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत मज़ा आ रहा है इसे यूज़ करने में. बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड शेड है इसके. सो आउटफिट येलो है, तो मैंने सोचा था येलो करूँगी, फिर मेरे माइंड में आया कि मैं पिंक करूँगी, फिर मैं वापस से स्विच कर रही हूँ येलो पे. सो लेट्स डू द येलो थिंग. सो सबसे पहले वी नीड अ फ्लफी ब्रश. पूरे आईज पे मैं ये येलो शेड लूँगी और पूरा आईज पे लगा दूंगी. सो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन ऐड करने के लिए ना मैं ये वाला ऑरेंज टोन यूज कर रही हूँ. ये काइंड ऑफ अ येलो का शेड ही लगेगा आपको अगर आप वीडियो में देखोगे तो. सो येलो टोन हम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में ले रही हूँ. सो प्रोडक्ट हम पिक करेंगे डस्ट करके. मैं क्रीज एरिया पे ओनली अप्लाई करूंगी इसे, थोड़ा सा डेफिनेशन उसमें ऐड ऑन हो, बिकॉज येलो बहुत ज्यादा लाइट शेड ही आ रहा है. सी, अब काफी ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा आईज में. सो आई एम डन विद द बोथ आई. डार्क शेड मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं बिग फ्लफी ब्रश लूंगी एंड येलो शेड वापस से हम आउटर क्रीज एरिया पे जितना भी हार्श लाइन होगी उसे हम लाइटन अप करेंगे. प्रोडक्ट मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, सेम ब्रश में यूज कर रही हूँ. सो इसको हम आउटर एरिया पे जितनी भी हार्श लाइंस होंगी ना उसको हमें ब्लेंड कर लेना है बस.
लाइक दिस। डेफिनेशन आप देख सकते हो, सी। ओके डन। सो नाउ कमिंग टू माय फेवरेट पार्ट, अब हम ऐड ऑन करने वाले हैं ये येलो ग्लिटर अपनी आईज पे। वाओ, आई लव इट। सी, वाओ। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो ये पिंक ग्लिटर इसमें है ना, हल्का सा मैं अपनी फिंगर पे लूंगी और एक ऐसा स्वाइप कर दूंगी, बस ऐसा आउट कॉर्नर पे, लाइक हल्का सा स्वाइप करेंगे लाइक दिस। थोड़ा इससे ना एक हॉलो सा इफेक्ट आ रहा है, काफी प्रिटी लग रहा है, आई लव इट। सो आईलाइनर की जगह मैं यूज करने वाली हूँ काजल, थोड़ा सा लगा के मैं उसे स्मच कर दूंगी, थोड़ा स्मोकी वाला इफेक्ट भी आ जाएगा उससे एंड दिखने में भी अच्छा लगेगा। सो ये इस तरह का ना स्मजिंग ब्रश हम लेंगे और इससे स्मच कर लेंगे काजल को। सेम गोल्डन आई गोल्डन ग्लिटर मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी, मस्कारा अप्लाई करेंगे। डन विद द ब्लश एंड लेट्स अप्लाई हाइलाइटर एंड देन लिपस्टिक एंड वी आर डन। मुझे एक्चुअली पिंक ना आई शेडो करना था, बट आई विल बी ओके इफ आई एम डूइंग द पिंक शेड लिप्स। ये स्क्रीन पे बिल्कुल भी पिंक नहीं लग रहा है, इसका शेड मैं एक्चुअली दिखाती हूँ कि कैसा है। मे बी शायद मैंने लिप लाइनर लगा दिया है, दैट्स व्हाई इसका शेड ऐसा सा है। आई लव दिस शेड एंड ये मैंने ये वाले नवरात्रि लुक में भी ट्राई किया था, बहुत प्रिटी लगा था। सो दिस इज इट एंड हियर इज माय फाइनल लुक। मैंने अब हेयर स्टाइल भी बना लिया है, ये वाला हेयर स्टाइल ना आपको शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा, तो आप शॉर्ट वीडियोस में जरूर से देख लेना। सो क्यूटीज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड ये था मेरा दिवाली फेस्टिव लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी दिवाली, बाय।